नमस्कार बच्चों बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 कल्चरल ट्रेडिशंस विच वर चेंजिंग थ्रू द मैनी सेंचुरीज। जो चेंज आते हैं एक्चुअली वन नेशन इज़ नोन फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलीजियस कल्चरल कंडीशंस। तो कल्चर कैसे चेंज हुआ बिकॉज जैसे कि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, इन वर्ल्ड ऑल्सो वेरियस कंट्रीज आर देयर जिनका अलग अलग कल्चर है, डाइवर्सिटी है। सो वो डाइवर्सिटी वो कल्चर चेंज कैसे हुआ एंड विच वर द मेन प्रोमिनेंट रिलीजन ऑफ द टाइम, दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड इन दिस टॉपिक वी विल सी अबाउट द मेनी ग्रेट पोइट्स ऑल्सो, दोज हु रोट देयर पोएट्री एंड द क्रिएशन एंड दे टोल्ड अबाउट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो अबाउट दैट वी विल स्टडी एंड वी विल स्टडी अबाउट द ग्रेट फिलोसफर्स ऑल्सो एंड वी आर गोइंग टू सी द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कि ओवरऑल चैप्टर में क्या है। सो उसका फर्स्ट पार्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस टुक प्लेस इन कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ यूरोप बिटवीन 14th to 17th century। बहुत सारे चेंज 14th to 17th century में आए। एज इन द लास्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड कि फ्यूडलिज्म उसका एंड हो चुका था। नाउ द पीपल वर अवेयर अबाउट देमसेल्फ, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी, रशियन हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, तो उनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे जब आया देन पीपल बिकेम मोर अवेयर। लोग जब अवेयर हुए देन दे स्टूड फॉर देयर राइट्स। तो चर्च ने क्या किया, द चर्च इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल। इट मीन्स क्रिश्चियनिटी वॉज द मेन रिलीजन ऑफ द टाइम। वर्ल्ड वाइड अगर हम किसी रिलीजन की बात करते हैं जिसने मास पीपल को इन्फ्लुएंस किया है, सो दैट इज द क्रिश्चियनिटी ओनली। तो क्रिश्चियनिटी ने क्या किया, लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, दैट वॉज द मेन पॉइंट ऑफ द टाइम। रेनाइसेंस इज अ फ्रेंच वर्ड, पुनर्जागरण। क्या होता है, व्हेन देयर इज अ वेव फॉर चेंज, सो चेंज इज कमिंग अल्टीमेटली इन वेरियस फील्ड्स। बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारी जगह वो चेंज आता है। तो रेनाइसेंस जो है एक फ्रेंच वर्ड है और इस के आने का कारण क्या था, इसका मतलब ये था कि क्यों लोग अवेयर हुए, why there was the awareness among the people, what were the reason for that and why this wave of renaissance spread in all over the Europe along with so many countries। क्यों एक new thinking की, नई सोच की, नई समझ की एक लहर आई। so rise of renaissance क्या इसके main कारण थे, तो हम उनको अगर focus करते हैं कि fall of feudalism। feudalism क्या, when a rich class एक वर्ग, एक class लोगों का वो ही सारे privilege को gain कर रहा है, all are not aware of that, बाकी लोगों को वो चीज़ नहीं मिल रही है। इट मीन्स देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द वेरियस क्लासेज। जैसे कि हमने देखा था थ्री ऑर्डर्स में कौन कौन से थे आपके, नोबेल्टी, क्लर्जीज एंड पीजेंट्रीज। सो फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का फॉल हुआ, इट मीन्स सोसाइटी का वो पार्ट रिच वन जो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को इंजॉय कर रहा था उसका फॉल हुआ। देन द रिलीजियस वार बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम, क्रूसेड्स हमने देखा था, अरब्स और क्रिश्चियंस के बीच में क्रूसेड 1, 2, 3 हुआ था, जो आइडियोलॉजी का डिफरेंस था उसकी वजह से लोगों ने जाना, लोग अवेयर हुए। देन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, और जो कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको लेके, उनके डिवीज़न को लेके जो उनके क्लैशेस थे, इन सब परेशानियों की वजह से द थिंग्स विच डिस्टर्ब द वर्ल्ड ऑर्डर दैट क्रिएटेड एंड दैट शोड अ पार्ट ऑफ इनमें, उन सब चीज़ों की वजह से पुनर्जागरण की लहर आई। एंड व्हेन देयर इज सम चेंज इन सोसाइटी, सो चेंज इन सोसाइटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन वन और टू पीपल, देयर आर सम पीपल, कुछ फिलोसफर्स होते हैं, कुछ आइडियोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ थिंकर्स होते हैं, दे आर शोइंग अस द टॉर्च ऑफ दैट अवेयरनेस। वो हमें दिखाते हैं कि वॉट इज द राइट पाथ एंड विच पाथ नीड टू बी फॉलोड बाय अस, कौन सा पाथ हमें फॉलो करना चाहिए वो बताते हैं। सो हेयर वी कैन सी कहाँ ये फर्स्ट टाइम आया, रेनेसा फर्स्ट स्टार्टेड इन द इटली। सबसे पहले इटली में इस पुनर्जागरण की, इस न्यू वेव का स्टार्ट हुआ। देन और जब कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है दैन इज गोइंग वन बाय वन, वन टू द अंडर कंट्रीज, और धीरे धीरे जाते जाते पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। तो इटली के बाद ये रोम में गया, फिर वेनिस में गया, फिर फ्लोरेंस में गया, तो ग्रेजुअली इट स्प्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट स्टार्टिंग वॉज फ्रॉम द इटली। वो नैंसा जो न्यू वेव थी उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इटली से हुई। अब वो देखें आप कैसे कि इन 1455 प्रिंटिंग प्रेस वॉज
invented by Gutenberg. This name we have heard earlier also in class 10. Gutenberg की प्रिंटिंग प्रेस, जिसके प्रिंटिंग मटेरियल जो उसके पर्टिकुलर ब्लॉक्स होते थे उस प्रिंटिंग प्रेस को उसने डेवलप किया था एंड उसने बाइबल लिखी. सो मैनी थिंग्स वर देयर विच वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो. तो 1455 में प्रिंटिंग प्रेस आई. अब जो बात हम कह रहे हैं, सपोज हम कोई बात वर्बल कम्युनिकेशन से आपस में बता रहे हैं, बट वेन द सेम थिंग इज रिटन इन द बुक, तो सेंचुरीज तक, टिल द सेंचुरीज पीपल कैन रीड अबाउट द थॉट ऑफ द ऑथर, लोग बहुत समय तक उस ऑथर के थॉट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. सो ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस वॉल्यूम ऑफ बुक्स इंक्रीज्ड विच हेल्प इन एजुकेशन. बहुत सारी जो बुक थी वो डेवलप हुई जिससे एजुकेशन में हेल्प मिली, लोग पढ़ने लगे. जब बुक मार्केट में आई लोगों में पढ़ने की हैबिट इनकलकेट हुई. सो अब क्या हुआ इससे, मिलन, नेपल्स, अब देखो कौन कौन सी जगह थी वो डेवलप हुई, मिलन, नेपल्स, वेनिस, फ्लोरेंस, गेन सेंटर्स ऑफ द ट्रेड सेंटर बिकॉज ऑफ फ्लॉरिश ट्रेड. अब कुछ ट्रेड सेंटर्स भी स्टैब्लिश हुए, आगे डेवलप हुए और उनमें मेन नाम था मिलन, नेपल्स, वेनिस एंड फ्लोरेंस. दे गेन द स्टेटस ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रेड सेंटर्स, बड़े ट्रेड सेंटर्स के रूप में स्टैब्लिश हुए बिकॉज ऑफ द फ्लॉरिशिंग ऑफ द ट्रेड्स. एक ह्यूमैनिज्म मूवमेंट था दैट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड. समाज में, सोसाइटी में एवल्स को लेकर, सुपरस्टिशियस थिंग्स को लेकर या थिंग्स विच आर वेरी मच ऑर्थोडॉक्स, उनके अगेंस्ट वन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड दैट वॉज ह्यूमनिज्म. सो हु वॉज द लीडर ऑफ दैट, पेट्रार्क. पेट्रार्क वॉज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, और वो इसके हेड कहलाए ह्यूमनिज्म मूवमेंट के. क्या किया उन्होंने, He criticized superstitions, जो अंधविश्वास होता है, जो हम blind faith करते हैं, blind belief करते हैं, उसको उन्होंने oppose किया, and the lifestyle of clergy because they were having the privileges which were not with the other classes. Clergies वो privilege ले रहे थे जो other classes के पास नहीं था, that's why they criticized that. किसने, humanism movement में. Father कौन थे, Petrarch थे. So they criticized the superstitions and the lifestyles of the clergy. This was the main thing of that time. So this thing we can see how the people were changing. Ab dheere dheere gradually jab books aayi, education badi, to jo scholars the, jo poet the, they also emerged. Ab dekhiye aap, Dante ek poet aur philosopher the. He was very poet. A famous poet and philosopher, he wrote a book which was called The Divine Comedy. These particular names can come in MCQs in one mark question. The Divine Comedy naam ki unhone ek book likhi, philosopher ne, jo poet bhi the, Dante ne. So these were the things which were evolving at the time due to the Renaissance. उस चेंज के कारण, उस कल्चरल जो मूवमेंट हुआ था उसमें बहुत सारे ऑथर्स आए, बहुत सारे पोएट्स आए, दे एक्सप्रेस देयर व्यूज बाय द बुक्स, और प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो गई थी. दैट्स वाई ऑल थिंग्स वर गोइंग टू बी पब्लिश इन द बुक्स एंड पीपल वर गेटिंग द बेनिफिट टू रीड दैम, लोग उसको पढ़ पा रहे थे. तो एक बार फिर हम देखते हैं क्या था ये टाइम, जो हम चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन देखते हैं, इट वॉज द टाइम फॉर द चेंज ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन इन द यूरोप. कब का टाइम है ये, 14th to 17th सेंचुरी. And the church influenced the life of people. It means the Christianity was the main religion of the time, and church and the Pope, they influenced the people via the thoughts and the Bible. Then rise of Renaissance. उसके बाद ये change कैसे आया, तो कारण क्या रहा, fall of feudalism. Feudalism fail हुआ क्योंकि हमने ये बात previous part में पढ़ी थी, क्या कि कौन कौन से revolution हो गए थे, Russian revolution, German revolution, French revolution. Now the religious war. अब एक religious war था, crusade जिसे कहा गया, Muslims और क्रिश्चियंस के बीच में. फिर कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज थी दी, उनका भी एंड हुआ धीरे धीरे, और दिस वर द रीजन फॉर द रेनाइस, लोगों के अवेयरनेस का कारण बना. देन रेनाइस वॉज फर्स्ट स्टार्टेड, कहाँ स्टार्ट हुआ, फर्स्टली इट वॉज स्टार्टेड इन द इटली, देन रोम, वेनिस एंड द फ्लोरेंस. सो फर्स्ट इट वॉज स्टार्टेड इटली, उसके बाद अदर पर्टिकुलर कंट्रीज गॉट इंस्पायर्ड, और उसका जो वेव था, द वेव स्प्रेड टू द अदर कंट्रीज लाइक रोम, वेनिस एंड द फ्लोरेंस. In 1455, printing press by Gutenberg, that was established. Gutenberg ने printing press बनाई, जब print होना start हो गया.
अब जब प्रिंट होना स्टार्ट हुआ, बुक्स बनी, तो देयर वॉज अ बूम इन द मार्केट और लोगों में एजुकेशन के लिए एक अवेयरनेस आई, लोग पढ़ने लगे बुक. ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस वॉल्यूम ऑफ द बुक्स इंक्रीज, पीपल दैट हेल्प इन द एजुकेशन. जब भी कोई नई चीज़ आती है मार्केट पे, वी आर वेरी मच एनएक्सीएस टू नो अबाउट दैट. व्हेन द बुक्स केम, लोगों में पढ़ने में इंटरेस्ट आया, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया. और एज मच एज दे विल रीड और दे विल स्टडी, दे विल इंक्रीज देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज बढ़ेगी एंड दे विल कम टू नो अबाउट सो मेनी फैक्ट्स. देन मिलन, नेपल्स, वेनिस एंड फ्लोरेंस गेन स्टेटस ऑफ द ट्रेड सेंटर्स. ट्रेड सेंटर्स बन गए कुछ पर्टिकुलर एरियाज, मिलन, नेपल्स, वेनिस एंड फ्लोरेंस. एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ द फ्लॉरिशिंग ट्रेड. वहाँ पर जो ट्रेड था वो फ्लॉरिश हो रहा था, दैट्स वाई दे बिकेम द मेन ट्रेड सेंटर्स. ह्यूमैनिज एक नया मूवमेंट आया जो कि 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. पेट्रार्क जो थे, ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमैनिज, जिसने क्रिटिसाइज किया सुपरस्टिशियस थिंग्स को एंड द एविल्स ऑफ द सोसाइटी. ही क्रिटिसाइज दैट एंड ही वॉज अगेंस्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ द क्लर्जी, क्योंकि ही वॉज बिलीविंग कि एवरी वन इज इक्वल ऑन द अर्थ, देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस. डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो वाई देयर आर थ्री क्लासेस, क्लर्जी, नोबेल्टी एंड द पीजेंट्री. तो देवर अगेंस्ट, ही वॉज अगेंस्ट दैट एंड फ्यू मोर फिलोसफर एंड अ पोएट्स वी कैन सी देयर. दांते, दांते कौन? पोएट और फिलोसफर थे और उन्होंने एक बुक लिखी. द नेम ऑफ द बुक वॉज डिवाइन कॉमेडी. डिवाइन कॉमेडी नाम की बुक में उन्होंने अपनी बात लिखी एंड ही एक्सप्रेस द थिंग्स वॉट एवर ही सॉ. So when the authors were there, when the writers were there, when the poets were there, they were writing the things. Okay, this was the wave of Renaissance and the whole Europe and the countries nearby, they all were going to be awakened by this particular wave and things were changing gradually and the people were having the influence of the surrounding things and now the people were getting aware. क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ, बुक्स आई, बुक्स पढ़ने से लोग लिटरेट हुए, दे केम टू नो अबाउट द वेरियस रेवोल्यूशंस एंड देन दे थॉट कि दे हैव टू थिंक अबाउट देम सेल्फ, दे हैव टू मेक देम फ्री. उन्हें भी अपने आप के बारे में सोचना है, अपने आप को फ्री करना है. सो दैट्स वाई द पीपल स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स अकॉर्डिंगली एंड द ट्रेड डेवलप एंड द थिंग्स डेवलप एंड वेन द फिलोसफर एंड द ग्रेट पीपल like Petrarch, they have started the movement like humanism. So now the people were very much influenced by that and they also criticized the superstitious things because their leader were doing so. अब लोगों में एक जो वेव आई थी, अपने लीडर्स की अकॉर्डिंग, जैसा उनका लीडर उनको पास शो कर रहे थे, अकॉर्डिंगली दे वर बिहेविंग एंड दे वर ट्राइंग टू ग्रूम देमसेल्फ, दे वर ट्राइंग टू लीड द थिंग्स विच वर अगेंस्ट द सोसाइटी और द डेवलपमेंट. सो ग्रेजुअली द होल सीनरी वॉज चेंज. सो दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन. जो कल्चर ट्रेडिशन की चेंज था वो स्टार्ट हो गया था. अब लोग ओल्ड बिलीव वाले सुपरस्टिशन नहीं रहे. नाउ दे स्टार्टेड टू थिंक इन द न्यू मैनर, एक नए तरह सोचना शुरू किया. सपोज हम एक पर्टिकुलर एरिया में ही रह रहे हैं, सो वी आर नॉट नोन टू अबाउट द अदर फैक्ट. हम बाहर क्या हो रहा है, कैसे लोग डेवलप कर रहे हैं, हम नहीं जानते. बट वेन वी केम टू नो थ्रू वाया बुक्स, हम बुक के थ्रू पढ़ते हैं, हम नेट पे देखते हैं, देन वी केम कम टू नो अबाउट द सो मेनी चेंजेस इन द वर्ल्ड. कितने डेवलप हो रहे हैं, कितने चेंजेस हो रहे हैं, हम उनके बारे में जानते हैं. तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द आउटर वर्ल्ड सो दैट वी कैन ग्रूम आवरसेल्फ, हम अपने आप को ग्रूम कर पाएं. तो हम ग्रूम कब कर पाएंगे, जब हम एजुकेशन गेन करेंगे, जब हमारा माइंड नए थॉट्स, नए सोच को लेकर आगे बढ़ेगा. सो इट हैपन्ड एट अ टाइम एंड दैट वॉज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड बिकॉज थिंग्स वर चेंजिंग ग्रेजुअली. सो कल्चरल चेंज की हमने आज बात की, इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. दिस इज नॉट अ होल चैप्टर, चैप्टर आपको बुक से पढ़ना है. दिस इज द ग्लिम्स ऑफ दैट कि वॉट वी आर गोइंग टू सी इन द टॉपिक. इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, बिकॉज चैप्टर इज लॉन्ग वन, यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक सो दैट यू विल बी एबल टू अवेयर अबाउट द वन मार्क क्वेश्चन MCQ. तो हर चीज़ जो होती है वो चैप्टर्स में ज़्यादा क्लियर होती है. तो गो थ्रू वाया द बुक्स एंड डू स्टडी डेली. थैंक यू सो मच.